संस्कार धानी जबलपुर के वरिष्ठ उर्दू साहित्यकार फिरोज कमाल की पुस्तक में उर्दू 1956 तक को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा साहित्यिक धरोहर मानते हुए सनद-ए-तौफीक अवार्ड से नवाजा गया। अकादमी ने कमाल को 10,000 रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया। श्री कमाल की साहित्य उपलब्धि पर मुस्लिम समाज कमेटी के मुख्तार हुसैन अंसारी, साहित्य सेवी सरदार अली कादरी, सूफी नईम शाह ने मुबारकबाद पेश की। उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबा की है। जबलपुर में उर्दू 1956 तक। मुसन्निफ फिरोज कमाल, उर्दू जुबान हिंदुस्तान में पैदा हुई और अपनी शीरीनी व हलावत का परचम बुलंद करते हुए दुनिया भर मकबूल हुई। ये वो जुबान है जिसने हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब को जन्म दिया। किसी मुफक्किर का कौल है, मैंने हिंदुस्तान को उर्दू में और उर्दू में हिंदुस्तान को देखा है। इसी गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए और अपनी मादरी जुबान से वालहाना मोहब्बत के जज्बे ने फिरोज कमाल साहब से ये तहकीकी कारनामा करवा लिया। जबलपुर में उर्दू 1956 तक एक ऐसा तहकीकी कारनामा है जो हमारे असलाफ की उर्दू दोस्ती और अदबी खिदमात को जिला बख्शता है। फिरोज कमाल साहब एक औसत दर्जे की फैमिली में पैदा हुए। माशी तंगी के बावजूद अपनी तालीम मुकम्मल की। आपने एमए उर्दू के अलावा बी लिव की डिग्री हासिल की। रोजगार के लिए नगर निगम जबलपुर में मुलाजिमत इख्तियार की और तरक्की करते हुए शोबाए लाइब्रेरी के ओहदे से सुबकदोश हुए। इसके साथ साथ आप समाजी और अदबी खिदमात भी अंजाम देती रहे। बेशतर अखबारात व रसाइल में मजामीन छपते रहे और बेशुमार सेमिनारों में शिरकत की। आप EWS एजुकेशन सोसाइटी के रुकन, अंजुमने अदब हिंद के सदर भी हैं। मजीद ये कि आप माशी हालत को सुधारने के लिए तिजारत भी करते रहे हैं। इन सब मसरूफियात के बावजूद आपने अपने घर परिवार और बच्चों की तालीम व तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। बच्चों की आला तालीम के साथ साथ तहजीब व अखलाक का सबक घुट्टी में घोल कर पिला दिया। आप नर्म दिल, शगुफ्ता मिजाज और कुशादा तबीयत के मालिक हैं। आपने अपनी तहकीकी तसनीफ जबलपुर में उर्दू 1956 तक में जबलपुर में उर्दू जुबान व अदब की इब्तिदा से लेकर 1956 तक मुकम्मल तौर पर जायजा लिया गया है। ये तजिया कमोबेश 150 साल पर मुहित। ये किताब 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इब्तदाई हिस्से में उर्दू से मोहब्बत करने वालों का तस्किरा है। इसके बाद नस्र निगारों और शायरों के नमूने कलाम के साथ मुख्तसर तारुफ भी मौजूद है। इसके बाद वाले बाब में उन मुसनिफीन का जिक्र है जिनकी तफसीली मालूमात नहीं मिल सकी, लेकिन तहकीक के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आपकी बहुत बहुत मुबारकबाद है। शुक्रिया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जबलपुर में तहकीक की पहली किताब, जो 350 साल के बाद पहली बार उर्दू की तहकीक की किताब आई और उसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा बिहार और तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी इसको नॉमिनेट किया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात। मुझे बचपन से उर्दू जुबान से बड़ी दिलचस्पी रही। हालांकि मैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप दुनिया की तमाम ज्यादा से ज्यादा जुबानें पढ़ें, जितना इल्म हासिल कर सकते हैं हासिल करें, लेकिन अपनी मादरी जुबान जो आपकी तहजीबी जुबान है उर्दू को जरूर पढ़ें। इसमें आपका सारा सरमाया तहजीब है। लेकिन जब मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपने कारोबार के लिए जाता था तो वहां की अदब की तारीख मुझे पढ़ने को मिल जाती थी, लेकिन अफसोस होता था जबलपुर आके कि हमारे शहर की कोई अदब की तारीख नहीं थी, कोई जुबान की तारीख। जबकि 1956 में यहाँ यूनिवर्सिटी बन गई जिसमें उर्दू डिपार्टमेंट भी कायम हुआ, लेकिन उर्दू की कोई किताब, कोई तारीख नहीं थी। चुनांचे मैंने ये तय कर लिया कि मैं उर्दू की तारीख लिखूंगा। इस सिलसिले में नागपुर में डॉक्टर मोहम्मद शफीउद्दीन साहिल, जो बहुत ही बेहतर मुहक्किक और उर्दू अंग्रेजी अदब के जानकार हैं, उनकी निगरानी में मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया। क्योंकि जबलपुर 1956 तक
सीपी बरार का हिस्सा था और इसकी राजधानी नागपुर थी। तो पहले मैंने 1956 तक जब जबलपुर सकापती एतबार से, सामाजिक एतबार से, कल्चरल एतबार से बरार और सीपी का हिस्सा होता था, वहां तक मैंने इसमें शामिल किया। और 56 तक पहली किताब में लिखी जबलपुर उर्दू 1956 तक। 1563 से लेकर 1956 तक मैंने एक तारीख मुकम्मल की उर्दू की। उसके बाद 1956 में जब नया मध्य प्रदेश बना और ये रियासत भोपाल में जुड़ के इसकी राजधानी भोपाल बढ़ी, तो 56 के बाद 1919 तक मैंने दूसरी किताब दूसरी जिल्द में पूरी तारीख मुकम्मल की, जिसमें उर्दू की पूरी तहजीबी तमदनी तहकीक करके बहुत ही मुश्किल से मुझे सारे मवाद हासिल हुए। कभी पूना गया, कभी पटना गया, कभी कामठी गया, कभी मालेगांव गया, कभी भिमंडी गया, कभी बॉम्बे गया, जहां गरज ये कि मुझे मालूम हुई कि उर्दू के ताल्लुक से जबलपुर के रेफरेंस में मुझे कुछ मिल सकता है, मैं उन शहरों का चक्कर काटता रहा। कितने साल लगे आपको? मुझे ये प्रेरणा आफ्टर रिटायरमेंट, 2010 में रिटायर हुआ लाइब्रेरी अधिकारी के, 10 के बाद मुझे ये शौक हुआ कि मैं इस किताब को मुकम्मल करूं। चुनांचे मैं 10 से लग गया, लेकिन ज्यादा मेहनत मैंने 15, 16, 17 में और 18 में मेरी पहली किताब मंदिर आम पड़ा, जिसको उर्दू उत्तर प्रदेश की उर्दू अकेडमी ने अवार्ड दिया। मेरी अपनी खुद की लिखी हुई तो दो किताबें हैं, जबलपुर उर्दू 1956 तक, अजबलपुर में उर्दू 1956 के बाद ऐद हाजिर तक, लेकिन सैकड़ों ऐसी किताबें हैं, सैकड़ों, कि जिन पर मुकदमा या प्रीफेस मेरा लिखा हुआ है, जो मुख्तलिफ लोगों की छपी, लेकिन सब शेर व शायरी के मुताबिक है। तारीख से मुताल्लिक कोई किताब, तारीख से मुताल्लिक उर्दू तारीख पर ये पहली किताब है जिसकी अहमियत आज नहीं समझ में आ रही, लेकिन मेरे न रहने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये रेफरेंशियल बुक बन जाएगी, हवाले की किताब बन जाएगी। जब भी उर्दू वाला रेफरेंस के लिए कोई मवाद चाहेगा इसी किताब को रिव्यू करें। मैं इतना चाहता हूँ कि आप दुनिया के तमाम जुबान सीखें, जितना इल्म हासिल कर सकते हैं हासिल करें, लेकिन अपनी मादरी जुबान उर्दू जरूर पढ़े, क्योंकि इसी में आपका मिली सरमाया, तहजीबी सरमाया और तमद्दुनी सरमाया है। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।